सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम अगेन टू माय अनदर वीडियो। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के जो प्रोजेक्ट लाया हूँ वह है गन स्टार जर्नी टू सेव द स्टार वर्ल्ड। बहुत ज़बरदस्त गेम है, NFT बेस्ड गेम है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई NFT गेम को नहीं प्ले किया तो इसको ज़रूर प्ले कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल में कोई भी वीडियो नहीं देखी NFT पे तो गाइस छोड़ दो उनको, इस गेम को देखो। इस गेम प्ले पर रिव्यू देने जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले है। जिस तरह मैंने आप लोगों से बहुत से अच्छे NFT प्रोजेक्ट शेयर किए हैं उन्हीं में से एक बहुत ज़बरदस्त NFT प्रोजेक्ट है। मेटावर्स गेम है बड़ी गाइस, बहुत ज़बरदस्त। पर अगर आप लोग इस पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप इसकी NFT इसको अर्न करोगे तो NFT इसका जो लिमिट टाइम है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइस वैल्यू जो है बहुत जल्द आपको $2-3 देखने को मिल जाएगी गाइस। आपको मैं गारंटी शुदा बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग अभी इसकी प्ले NFT को खेलना स्टार्ट कर दोगे तो फ़ायदा ये होगा कि जैसे इसका प्राइस रेट इंक्रीज़ होगा, आपकी जितनी NFTs आपके पास होंगी आप उनको बाय करोगे या सेल करोगे आगे, तो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होने वाला आपको। तो गाइस ये है कि अगर आप लोग अभी से इसको स्टार्ट कर देते हो तो फ़ायदा, लेकिन अगर आपने इसको गेम प्ले को स्टार्ट करना तो आपने वाइल्ड लिस्ट होना पड़ेगा। वाइल्ड लिस्ट के बाद आप इसका गेम प्ले इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखने को मिलेगा वेबसाइट का रिव्यू देखने के लिए, आप मैं होम पेज पर मौजूद हूँ। स्टार वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ NFT पेट रोड मैप प्रीमियर, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहले आपको मैं इसका एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिकली कि गेम बेसिकली आपको दिखाना क्या चाह रही है, इसमें इसकी थीम क्या है, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसकी प्ले क्या है। तो यहाँ पे आप इसका एक बेसिकली ये गेम बहुत बेस्ट गेम है गाइस। इंट्रोडक्शन आपको मैं देखना चाहता हूँ ट्रेलर का। तो ये एक छोटा सा ट्रेलर था, प्ले टू अर्न गेम है गाइस। बेसिकली बहुत ज़बरदस्त गेम है, अगर आप लोग इसको प्ले करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। फ्री टू प्ले ऐप है, आप लोगों ने फ्री में प्ले कर लेनी है। ये इसका प्ले का बटन है, आपने यहाँ पे जाके इसको प्ले कर लेना है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं वायरलेस नहीं हूँ, वायरलेस होना पड़ेगा आपको प्ले करने के लिए। यहाँ से अपने मेटामास्क कनेक्ट करना है और आपने इसको, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो कॉइन गीको पे, कॉइन मार्केट कैप पे ये अवेलेबल है। कॉइन गीको पे, कॉइन मार्केट कैप पे भी आप इसको मैं दिखा देता हूँ, $0.5 फिलहाल जा रहा है। इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 1.5 से 1.6 तक गया था मार्केट, लेकिन अब दोबारा से पंप आएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा। अगर आप लोग अभी इसमें इन्वेस्ट कर लेते हो तो प्रॉफिट होने वाला आपको आगे जाके। ठीक हो गया, वापस चलते हैं इसके वेबसाइट के ऊपर, गनस्टार मेटावर्स। ठीक हो गया, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। उसके बाद वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इसको कॉइन गीको पे देखोगे तो कॉइन गीको के ऊपर भी अवेलेबल है। कॉइन गीको पर भी इसका मार्केट रेट देखने को मिल जाएगा और इसका चार्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटली 24 होल्ड का चार्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका वैल्यू रेट क्या चल रहा है। यहाँ पे देख लेंगे 24 होल्स का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि क्या पम्प आया था यहाँ पे। 14 जैन को आया था 0.54 से। आप देख लेते हैं कि इसका क्या रेट चल रहा है, यहाँ पे 0.54 चल रहा है। तो गाइस यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी इसको होल्ड करके रख देते हो तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ये होगा कि इसके वैल्यू $1-2 इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसी वीक या नेक्स्ट वीक में। तो प्रॉफिट जाहिर बात आपको बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप लोग गेम प्ले करते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि NFTs आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे आपको मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ गेम का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका BSC कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके BSC एड्रेस पर देख सकते हो, अपने मेटामास्क में भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पे अब वापस नीचे चलते हैं स्टार वर्ल्ड पे। स्टार वर्ल्ड में दिखा देता हूँ कि स्टार वर्ल्ड बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, स्टार वर्ल्ड एक तरह का एक मैप है पड़ा, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि बेसिकली लेवल क्या है, आपने इसमें करना क्या है, आपको क्या क्या थीम दी गई है गेम प्ले के अंदर, किस तरह की आपने गेम स्टार्ट करनी है। गेम प्ले दिया हुआ है यहाँ पे, गेम प्ले दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये गेम प्ले भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे सिलेक्ट मॉन्स्टर्स हैं, आपने कुछ मॉन्स्टर्स सेलेक्ट करने होंगे। मॉन्स्टर्स के बाद आप आगे चलोगे तो आगे आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। ये आपकी एक NFT है, यहाँ से आपने करेक्टर चूज करना है। अगर आपकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा करेक्टर चूज करते हो, यहाँ से आपने फाइट करनी होती है और अपने मॉन्स्टर को किल करना होता है। यहाँ से आपके लेवल इंक्रीज होते हैं गाइस, ये आपके एनिमीज हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, इनको आपने किल करना है और इसको किल करना होता है। जैसे आप इसको किल करके लेवल इंक्रीज करोगे आपके NFT आपको NFTs मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे साथ साथ ही। ये इसकी कुछ करेक्टर्स हैं, यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है, उसके हिसाब से आपने गेम प्ले करना होता है। हर करेक्टर की अपनी स्पेशलिटी है।
अच्छा अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि NFT पैड क्या चीज़ है। NFT पैड भी दिखा देता हूँ, सेलेक्ट पैड्स। अच्छा यहाँ से अब आपने ना NFT पैड सेलेक्ट करनी है। प्रीफर्टिंग स्किल्ड वन फायर्स अ मिनी पीक एंड नो अदर इफेक्ट्स। फायर्स वन साउंड वेव ब्रेकिंग इनटू हॉरिजेंटल फायर फोर फायर पावर विद एक्स्ट्रा। अच्छा ये इन करेक्टर्स की ना स्पेसिफिकेशन दी हुई है गाइस। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इस करेक्टर की क्या स्पेसिफिक स्किल वन स्किल टू स्किल थ्री दिए हुए हैं। यहाँ पे इनके तमाम स्किल्स बताए गए हैं। अब आपने जो सा लेना हो वो आप ले सकते हो इनके स्किल्स को देखते हुए कि इसका स्किल अगर अच्छा आपको लगता है तो आप ये वाला ले लो, अगर आपको इसका स्किल अच्छा लगता है तो आप ये ले लो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो। इंक्रीज मूवमेंट 0.40 मिनट्स। अच्छा ये आ गया गाइस रोड मैप। रोड मैप बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। आपको मैं इसका रोड मैप इसलिए दिखा रहा हूँ Q1 2022 में रिलीज डी ऐप हुई थी, मार्केट प्लेस NFT सेल्स ट्रैकिंग हुई थी, रिलीज गनस्टार मेन नेट रिलीज गनस्टार रेड बॉस इवेंट गेम कंटेंट। Q2 2022 में हुई थी रिलीज गेम कंटेंट अपडेट्स PvP एंड लीडर बोर्ड। चैट सिस्टम हुआ था, पैट रेंटिंग सिस्टम हुआ था मेटावर्स डेवलपर। रिलीज बिग अपडेट 2.0 गेम कंटेंट अपडेट हुई मेटावर्स हाउस NFT आइटम स्कॉलरशिप डेवलपमेंट आइडियोज एंड एंड्रॉयड सपोर्ट हुई। रिलीज अपडेट 2.1 गेम कंटेंट अपडेट कॉस्मेटिक NFT आइटम प्राइवेट चेन डेवलपमेंट हुई थी इसकी। जैसे आगे चलेंगे आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली क्या कह रहे हैं। अच्छा ये होगी आवर टीम गाइस। टीम बहुत डिपेंड करती है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो उसकी टीम के ऊपर रिसर्च जरूर करो। इसकी टीम जो है एक्सपीरियंसेबल है, बहुत ही अच्छे। इनके प्रोजेक्ट्स पहला प्रोजेक्ट नहीं है इनका, इनके बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इनको सर्च भी कर सकते हो, लेकिन बार बार कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च किया करो खुद की किसी भी प्रोजेक्ट में। NFT में NFT बेशक फ्री टू प्ले होती है, लेकिन उनको खेलने से पहले भी उनकी अच्छी रिसर्च करो उसके बाद, ताकि आपको इन्जॉय हो, ताकि आप आगे उसके बेनिफिट उठा सको, आपको समझ आ सके कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं इन प्रोजेक्ट में। तो ये इनकी बेसिकली बहुत ज़बरदस्त टीम है। पर इको फाउंडर को तमाम आपको यहाँ पे आपने टीम देख लेनी है। इनकी टीम बहुत अच्छी टीम है गाइस, जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। और ये इनके एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा अब नीचे आते तो नीचे आपको देखने को मिलेंगे पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये इनके पार्टनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया गनस्टार्स मेटावर्स को। गाइस बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बार बार कह रहा हूँ। इस गेम प्ले फ्री टू प्ले है, NFTs बहुत कम होती हैं जो कि आपको प्रॉफिट देती हैं, लेकिन ये गेम बहुत ज़बरदस्त है। NFT प्ले फ्री टू प्ले, आपने फ्री प्ले करके NFTs को अर्न करना है और आगे आपने इसके मार्केट पे सेल करने लगा देनी है। वो अब डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप गेम प्ले करते हो, कितने लेवल तक पहुँच के NFTs कितनी अर्न कर सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है। तो अब आपने इसके करना क्या है कि यहाँ से ट्विटर को फॉलो कर लेना, ट्विटर को ज़रूर फॉलो करना, टेलीग्राम को, डिस्कॉर्ड को, यूट्यूब को, यूट्यूब को भी फॉलो करो, टेलीग्राम को भी फॉलो करो, क्योंकि आप अगर इनके लिंक्स को सोशल मीडिया को फॉलो करोगे तो आपको तमाम अपडेट्स लाइव मिलती रहेंगी, जिससे पता लग जाएगा कि बेसिक प्रोजेक्ट कहना क्या चाह रहा है आपको। ठीक हो गया, तो सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो किया करो। मैं आपको इसका ट्विटर दिखा देता हूँ ताकि आपको बेसिकली पता लग जाए कि ये इसका ट्विटर का गाइस। इसको मैंने यहाँ से फॉलो कर लिया, आपने भी जाके इसको फॉलो करना गन स्टार्स को। बहुत उम्दा गेम है गाइस, अगर आप लोग इसमें होल्ड कर लोगे, अगर आप इसके टोकन को भी ऐड करके रख दोगे ना, इसके टोकन को परचेज कर लोगे, तो लॉस नहीं होने वाला, मैं यकीन करो 100% कह रहा हूँ। NFT कॉइन्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और आप यहाँ से इसकी पॉपुलैरिटी देखते हैं। 148 के फॉलोअर्स इनके ऑलरेडी हैं, जो कि इनके गेम प्ले को प्ले कर रहे हैं, उनके एक टीम का हिस्सा बन चुके हैं, एक इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि इनके लाइव अपडेट्स लेते हैं और उनको प्रॉफिट उनसे प्रॉफिट लेते हैं। तो गाइस इनके ट्विटर को फॉलो करके इनके लाइव अपडेट्स ले लिया करो, ताकि आपको तमाम चीज़ें ऑलरेडी समझ आ जाए। उसके बाद चलते हैं इनके डिस्कॉर्ड को, आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद वापस चलते हैं वाइट पेपर। वाइट पेपर दिखाता हूँ आपको, इसका एक वाइट पेपर भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वाइट पेपर की भी समझ आ जाए।
अच्छा वाइट पेपर गाइस, इसलिए ये होता है कि वाइट पेपर में तमाम डिटेल दी जाती है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट किस बेस पे बना हुआ है। तो ये है इसका वाइट पेपर। वाइट पेपर आपने रीड कर लेना है। वाइट पेपर मैं आपको टोटली रीड नहीं करके बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपने टोटली वाइट पेपर रीड करना है। इसमें गेम प्ले करना कैसे, आपने हाउ टू प्ले गेम, आपने गेम प्ले को खेलना कैसे है, किस में आपने बेनिफिट होगा, क्या क्या चीज़ें आपने अर्न करनी होती है जिससे आपको अर्न फ्री जल्दी मिलेंगी, क्या क्या इसकी ट्रिक्स हैं, आपको तमाम वाइट पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट कहाँ से आया, प्रोजेक्ट की बेस क्या थी, प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट में एडवाइजर्स, प्रोजेक्ट की जो टीम है, तमाम आपको इसमें मिल जाएगा गाइस। नेक्स्ट जनरेशन मेटावर्स, कंस्टार मेटावर्स, आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गेम है गाइस। आपने इसको प्ले करना है और इसको ज़रूर आपने आगे इसके अंदर जाना है। स्टोरी मोड दिया हुआ है, स्टोरी मोड मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, आपने इसको रीड कर लेना, उसके बाद पता लग जाएगा। फैंटेसी वर्ल्ड आपके साथ, ये है एक किस्म का फैंटेसी वर्ल्ड है। मैप्स होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के मैप्स देखने को मिलेंगे आपको गेम प्ले में। और ये इसका हाउसेस सिस्टम है, आपने इसको भी देख लेना है एक। अच्छा गेम प्ले पर चलते हैं, तो गेम प्ले में आपको ये दिखाया जा रहा है टर्न बेस्ड आर्टिलरी गेम। एज ए टर्न बेस्ड वी फोकस ऑन स्किल्स गेम एनालिसिस। गेम में जो स्किल्स के एनालिसिस हैं उन पर बहुत फोकस किया गया है, जिससे प्लेयर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अच्छी गेम प्ले कर सकें और अच्छी अर्निंग भी कर सकें। उसी तरह से ये प्रोजेक्ट दिया गया है इस सेलेक्ट पैट्स, आपने यहाँ से पैट्स सेलेक्ट करने हैं, पैट्स के साथ ही आपने गेम प्ले को स्टार्ट करना है और कंटिन्यू करते जाना है और लेवल बढ़ाते जाना है। जितने आपके लेवल बढ़ते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन यह है कि आप डिपेंड करता है कि आप कितनी गेम प्ले करते हो और कितना एंजॉय करके गेम को खेलते हो। वो ज़बरदस्त NFT पेट सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप NFT की कमिंग सून है, अच्छा NFT पेट सिस्टम कमिंग सून है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। पेट लेवलिंग भी हुई है, पेट एनर्जी सिस्टम भी है यहाँ पे, पेट स्टैट्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, पेट स्टैट्स भी देख लेना। गेम मोड्स आ गया है यहाँ पे, गेम मोड्स। अच्छा इन गन स्टार वी हैव 4 गेम मोड्स एट दिस मोमेंट। अच्छा इसमें गेम मोड्स जो है 4 किस्म के हैं। कैंपेन सिंगल PvP है, प्लेयर वर्सेस एनिमीज है। रेड बो सिंगल, को प्लेयर्स एनिमीज। एरिना दिया हुआ सोलो सिंगल, प्लेयर वर्सेस प्लेयर। एरिना टीम, को प्लेयर वर्सेस, अच्छा प्लेयर वर्सेस प्लेयर। आपका जो ओपोनेंट होगा वो भी आपका प्लेयर ही होगा, मतलब कि कोई बॉट नहीं होगा, वो भी आपकी तरह ही कोई ह्यूमन होगा जो कि आपके साथ एनिमी के लिहाज से खेल रहा होगा। कैंपेन मोड, रेड बॉस, एरिना, तमाम चीज़ें आपने रीड करनी है, उसके बाद आपको गेम प्ले की टोटली समझ आ जाए कि GST टोकन, इसके टोकन का नाम है GST टोकन। आपने टोकन को बाय कर लेना है गाइस, टोकन एलोकेशन दी हुई है, GST टोकन एलोकेशन 18.11%, 13% बाइनेंस स्मार्ट चेन टोटल प्राइस 0.5%, 8.6% पब्लिक सेल 1.89% दी हुई है, डेक्स 10.0%, 15% टीम दी हुई है, 1.5% पार्टनर्स एंड एडवाइजर्स दी हुई है। GST डॉलर टोकन रिलीज शेड्यूल है, टोकन रिलीज शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। प्लाइस की टोटली इतनी, प्राइवेट सेल, सोलर सेल, तमाम चीज़ें आपने इसको रीड कर लेना है। एलोकेशन ये है इसकी, प्राइवेट सेल है पहले, टोटल सप्लाई है इसकी 400 मिलियन। मार्केट कैप विद लिक्विडिटी $696.920 है, मार्केट कैप विदाउट लिक्विडिटी $276.920 है। प्राइवेट सेल है इसकी 13%। टोटल सप्लाई 52 मिलियन आई थिंक। प्राइस पर टोकन है 0.035। प्राइवेट सेल में एलोकेशन दी हुई है, तमाम एलोकेशन दी हुई है। सीड्स आगे है, सीड सेल आगे है, पब्लिक सेल, डेक्स डिपॉजिट है, मार्केटिंग एंड इकोसिस्टम, पार्टनर्स एंड एडवाइजर्स, टीम डेवलपमेंट, एयर ड्रॉप रिजर्व। ठीक हो गया, 18 प्लान टोटली आपको यहाँ पर एलोकेशन दी हुई है। How to get GST? By participating in arena and get yourself on the ranking leaderboard by trading in marketplace. By joining special events from Gunstar such as alpha release, close beta, open beta. What is GST used for? Staking, governance, exchange NFT spat, borrow pet in marketplace, buying, selling NFT house. Buying, selling NFT house के लिए भी GST use होती है। GST token आ गया, smart contract audit आ गया। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है, गन्स रिव्यू ऑन हैकर ऑफिशियल वेबसाइट भी सकते हैं। रीड द फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्ट हेयर, ऑडिटिंग रिपोर्ट भी दे सकते हैं। डेवलपमेंट टीम आगे, तमाम चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं गाइस। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर गन स्टार।
फ्रॉम ट्रांजेक्शन सर्वर। अच्छा अब मैं वापस ले लेता हूँ वेबसाइट के ऊपर, इससे बता देता हूँ कि डेवलपमेंट टीम मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। तो गाइस आज का प्रोजेक्ट हमारा यही था गनस्टार मेटावर्स। ठीक हो गया गाइस, अगर आप इसमें स्टेकिंग करना चाहते हो तो स्टेकिंग भी कर सकते हो, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, स्टेकिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्टेकिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।